सुनो रे, इतने गौर से देख रही हो नीचे तुम। पिस नहीं रही। तो हमारा छोटा सा घर नजर आ रहा होगा, ये ही हमारे आप भी खाओ। फिर चेक करना, बताना कैसे लगा। कैसा है? बोलो ना, बोलो मजे के। क्या नाम? मजे के। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए और अम्मी को देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटियां बेटो, सब ठीक हो? लमिया तुम तंदुरुस्त देवे सिया देवे। आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। जी अब देखते हैं अम्मी के मूली के पराठे। अच्छा, जी अच्छा जी। पेड़े बना रही हूँ, फिर बाद में इसमें मतलब मूलियाँ भरूंगी। अच्छा, ये हो गया तैयार हमारा मूलियाँ, मसाला तैयार कर दिया। तैयार हो गया, इसमें नमक मिर्चे, हरी मिर्चे, पुदीना डाला। अच्छा, मूलियाँ कर दी है, कद्दूकस और मिर्चे शिर्चे सब कुछ बना के अब अम्मी पेड़े बना रही है। पराठे बनेंगे मूलियों के, बड़े ज़बरदस्त, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज अम्मी के हाथ के पराठे कैसे लगते हैं हमें। हाँ जी, ये पेड़े के ऊपर पेड़ा रखा जाएगा ना भाई। हाँ ठीक है जी। मूलियों के पराठे हैं आज तैयार होने वाले हैं कुछ ही देर के बाद, और हम मिलके खाएंगे। चलो जी, तो ये हो गए हमारे पेड़े शेड़े तैयार हो गए हैं, गैस चलने लग गया है, अब बनाने शुरू कर रहे हैं। यार हमारा छोटा सा किचन है, कैमरा कहाँ से लेके खड़ा हूँ, कहाँ से नहीं लेके खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल होती है कैमरा वाले। अच्छा, इसको रख दिया। हाँ, इसमें मूली भर के वो उसके ऊपर रखेंगे। अच्छा जी। हाँ, तवा भी गर्म होने वाला है, गैस चल रहा है। आज तो गैस सही आ रहा है ना? बस आज ही आ रहा है, कल फिर इन्हें मोमोज करना तंग करेगा। कल तंग करेगा। कराची का गैस ऐसा ही, कहीं आता है कहीं नहीं आता, कहीं फुल होता है। घी लगाया जा रहा है। घी लगा रहे हैं इस पे ना, वो मूली सही तरीके से जाती है। अच्छा जैसे ठीक है। ये इसमें हम मूली भर रहे हैं। अच्छा जी, तकरीबन कितने पराठे बन जाएंगे? 5-7 बन जाएंगे ना? 6 बनाए हैं। अच्छा ठीक हो, 6 बनेंगे इसमें से। ये उसके ऊपर रखी जा रही है, ये ऐसे ठीक है। हाँ जी ठीक ठीक ठीक। ठीक बाबा, माशाल्लाह जी। जी हमारा पहला पराठा हो रहा है तैयार, और दूसरे की अम्मी पराठे के पीछे से तैयारी कर रही है। अच्छा जी, दूसरे की तैयारी हो रही है, ये बस पकने वाला है। अम्मी गैस फुल आ रहा है? फुल? हाँ फुल ही। आपने छोड़ा है? फुल हो? फुल ही चल रहा है, इतना ही आता है बस। अच्छा, ये भी नदी शाबा से इतना दे देते हैं। दे देते हैं। हम थोड़ा सा तेल पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब दूसरे पराठे की तैयारी हो रही शुरू। ये पर घी लग गया,
ठीक हो गया। इसमें मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च, पुदीना, हाँ एक बार मसाला बना दिया हमने, मसाला पूरा बना दिया। देखे जी कनात भी पराठा खाने के लिए आ रही है। कना सलाम करो, कैसे हो चाचू इंगला? अच्छा 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 जी, अच्छा जी, इसके ऊपर भी घी लगाया जा रहा है जी। जो आने वाले लग जिस मतलब पराठा तैयार होना शुरू हो गया। हल्के हल्के गैस पे सही बनेगा ना। हो गया लुक पराठे वाला लुक बन गया। अब ये हो गया तैयार जी। जी जबरदस्त। अच्छा मूली पक गई होगी अंदर से? ये पक गई, मूली पक गई। ओके अच्छा, अब दूसरे की तैयारी। ठीक है, दूसरे की तैयारी करके रखी हुई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बहन भाइयों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ रायता, अम्मी बना रही है पराठे मूली के, और उसके साथ जो है मैं ये रायता तैयार कर रही हूँ। फिर मूलियों के साथ रायता खाएंगे जी। मूलियाँ होंगे पराठे वाली मूलियाँ, और ये दही ले आए हैं हम लोग। सही है, ये हमारी दोरी डंडा हो गया जिससे बनाएंगे। ये बनाने वाले बैठे हैं, तो अब देखते हैं कि अम्मी के भी पराठे हो गए, इसका रायता बना हुआ हो गया, मज़ेदार खाना तैयार हो रहा है हमारा। बस सोच सोच के भूख लग रही है मुझे। हाँ बस करो, जल्दी करोगी तो फिर ही ना, तेज तेज हाथ चलाओ ना। नहीं छेड़ो नहीं छेड़ो, मज़ा आ गया। कनात भी लगी हुई है मज़े लेने के लिए साथ। कनात क्या खाओगी? दही खा रही हो? नहीं दही, दही खा रहा मैं। अच्छा जी, दही खा रहा। ये क्या है कनात? ये क्या है? हाँ क्या है? डंडा। डंडा डंडा। अच्छा जी, तो मिर्चें ये सिर्फ दो ही डाल रही हैं आप? दो मिर्चों में से ही सब कुछ हो जाएगा? बस काफी है इतनी, बाकी पराठों में भी तो काफी मिर्चें हैं। अच्छा जी, वॉश कर। ये जी बेसन के साथ, बेसन में इसको धोया जा रहा है। अब इसको दोरी डंडे में डाल के खटाखट खटाखट खटाखट, ये आप लोगों को हमारा छोटा सा घर नज़र आ रहा होगा, ये ही हमारे घर है के घर। अच्छा जी, दोरी हमारी पंजाब वाली जो पंजाब में रह गई, यहाँ पे लकड़ी की मिली, लकड़ी ही मिली है, और देखो कैसी मिली है। ये भी किसी की खास निशानी है हमारे पास। हाँ ये भी बात सही है, तो निशानी ही हमारी अपनी है तो नहीं, बस जब ये इस्तेमाल करते हैं वो याद आ जाते हैं हमें। हर चीज़ पे कहीं ना कहीं किसी की यादें जुड़ी होती हैं। कैनात को समेरा ने डांट दिया, वो रो रही है। बोले को पराठे बनाए, और अम्मी बोली कि हमने आज नहीं देने। हाँ कनात को जी मारा है। धनिया पीस ही नहीं रही इसमें।
जगह ही नहीं है। अच्छा मिर्ची उठा लेना ये वाली। फिर वो उड़ उड़ के आंखों में लगेंगी। एक बार धनिया पीस। अच्छा सुमन इधर गौर से देख रही हो नीचे तुम। पीस नहीं रही। देखो जरा हो गई है। अभी भी रहता है ना ये वाला छिलका, इतना बड़ा है ये वाला, पीस ही नहीं रहा। हाँ इसको इसको बाहर से काट दो। काट तुम फिर हाथ में चुभेंगे। आके बंद कर लो ना। और ये क्या कर दी तुमने? यार मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना। बस इसके अंदर दही मिला दे। इसको हल्का हल्का सा ना ऐसे कर लो ताकि पीस जाए। जी जी वो इसके अंदर डालोगे कि दोरी इसको डालो? नहीं ना वो इसमें डालो। अच्छा नहीं जाओ चमची लेकर, अम्मा से बोलो चमची दे। चमची दे दें कायनात को। अभी भी ठीक से नहीं पीसी इसमें। अब वो है मिक्स, ग्राइंडर हो रही है ना। अच्छा ये अभी हमारा सारा सामान माशाल्लाह तैयार हो गया। अब आपको दिखाते हैं खा के कितने मज़ेदार बने पराठे। हाँ जी मूली के पराठे। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। हाँ दिखाएं। मज़ेदार मूली के पराठे, मज़ेदार मूली के पराठे। हाँ इसको भी खिलाओ, मेरा इसको भी खिलाओ, अब्दुल हादी को भी खिला दो। आओ हादी आप भी खाओ। फिर चेक करना बताना कैसे लगा। कैसा है? मज़े के? बोलो ना बोलो मज़े के। मज़े आ गया। चलो मैं भी खा के चेक करती हूँ। हाँ अब आप गई, आप बारी आ गई। बहुत मज़े के बनाए, मज़े लगते हैं हमारे यहाँ आज। माशाल्लाह बड़े अच्छे मज़े के पराठे बने हुए हैं। और अब मैं करता वीडियो को बंद, हमें दीजिएगा इजाज़त ताकि मैं भी जल्दी जल्दी खाऊं मज़े के पराठे बने जी। अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।